सबका, सभी मीडिया वालों का मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया है। आपने देखा कि बहुत तादाद में, हज़ारों की संख्या में कुपवारा में ये कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी का। इससे आपको साफ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत दिन ब दिन होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जो आपने सवाल किया कि ऐसा नहीं है, कहने को तो कुछ भी कोई कहेगा, लेकिन हम इस बात को यकीनन कहते हैं कि जैसे DDC के चुनाव में हमको तब भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं निकाल सकती है, हमने 3 सीटें यहाँ निकाली है। एक तुलेल की निकाली गुरेज में, एक हमने काकपुरा पुलवामा में निकाली थी और एक हमने बालहामा में सीट निकाली। हमारे 3 BJP के DDC मेंबर्स बने हैं। और इसी प्रकार आपको बड़ा आश्चर्य होगा और इन नेताओं को भी आश्चर्य होगा जब ये सुनेंगे कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सीटें निकालेंगी, ज़रूर निकालेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल उसका संकेत है कि इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ऑन कर रहे हैं, ये उसके लिए संकेत है। ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरान को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गलत फहमी में वो न रहे। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने अपना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाला है, 6 मई से पहले उनके पास समय है, 6 मई तक, उससे पहले वो इसको फाइनल करके लॉ डिपार्टमेंट को दे देगा। और उसके बाद हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 4 महीने का समय मांगा है और इसलिए ये लगता है कि नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में ज़रूर चुनाव जो है जम्मू कश्मीर फाइनल है वापस, और दर्जा चुनाव के बाद भी मिल सकता है। कि जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर है इसने एक नैरेटिव सेट किया है सारे देश भर में और जो सच्चाई है वो देश के सामने रखी है। ये जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, 18 जनवरी तक फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और ये 18 के बाद एक दिन में सारा बदला नहीं है। जगमोहन ने निकाला, जगमोहन पहले भी यहाँ गवर्नर रहा, तो किसने रखा था उसको गवर्नर? कांग्रेस ने रखा था, तब जगमोहन ठीक था। और फिर जगमोहन जब आया तब जगमोहन